टी20 विश्व कप 2022 से पहले पाकिस्तान की टीम के लिए आई सबसे बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान की टीम के सुपरस्टार तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी चोट से ठीक हो गए हैं और वे अब टी20 विश्व कप 2022 के लिए पूरी तरह अवेलेबल रहने वाले हैं। दोस्तों पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया था और अब वे 23 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले वर्ल्ड कप के पहले मैच के लिए अवेलेबल होंगे और भारतीय टीम के सामने खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दोस्तों अब की बार मुकाबला काफ़ी रोमांचक होने वाला है क्योंकि पिछली बार इन्होंने जिन खिलाड़ियों को आउट किया था वे खिलाड़ी काफ़ी बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल, इनका विकेट पिछले साल टी20 विश्व कप में लिया था लेकिन अब की बार तीनों ही खिलाड़ी काफ़ी बेहतरीन फॉर्म में हैं। अभी डोमेस्टिक सीरीज में काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया था तीनों ही खिलाड़ियों ने, तो दोस्तों अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि अब इन फॉर्म खिलाड़ियों के सामने शाहीन शाह अफरीदी किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं क्योंकि जिस समय खिलाड़ी अपनी फॉर्म में होते हैं ये दुनिया के किसी भी गेंदबाज के छक्के छोड़ा देते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के दो वार्म अप मैचेस भी खेलने वाले हैं। पाकिस्तान अपने दो वार्म अप मैचेस खेलेगी जिसमें वे इंग्लैंड और अफगानिस्तान की टीम का सामना करेगी, तो शाहीन शाह अफरीदी के आने से अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या पाकिस्तान की टीम की गेंदबाजी को मजबूती मिलेगी या फिर भारतीय गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी की पेस का मजाक बना देंगे।